नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वंदना की रसोई में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे प्याज और भिंडी की भुजिया, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बड़े से लेकर बच्चे सबको पसंद आता है। इसको आप पराठे के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए। अगर कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो इसमें प्याज बिल्कुल मत डालिए, आपकी भिंडी की भुजिया बिल्कुल ख़राब नहीं लगेगी और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं, आधा किलो भिंडी धो के अच्छे से पोंछ के इसको हम काट दिए हैं छोटे टुकड़ों में, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए। 5 से 6 प्याज काट दिए हैं थोड़ा बारीक, और यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च को बीच से काट लिए हैं। इसमें बहुत कुछ सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है और ये भुजिया बहुत ही झटपट बन के रेडी भी हो जाता है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हमने 2 चम्मच तेल डाला है। इसमें डाल देते हैं जीरा। दोस्तों, जीरा अच्छे से चटक गया है, इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर और इसको हल्का सा भून लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हल्दी भून लिए हैं, इसमें हम हरी मिर्च को भी डाल के चला लेते हैं। हरी मिर्च को भूनने के बाद इसमें डाल देते हैं अब प्याज, और प्याज को थोड़ा सा पलटते पलटते चलाते हैं। और इसके बाद इसमें फिर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी देर प्याज को भूनने के बाद फिर इसमें डालेंगे भिंडी। तो आइए दोस्तों, अब इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। इसमें हरी मिर्च डाले हैं, फिर भी थोड़ा सा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है लाल मिर्च पाउडर। और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और इस तरीके से भिंडी की भुजिया बना के देखिए, बहुत ही यम्मी लगता है। और लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा प्याज को भूनेंगे, इसके बाद फिर भिंडी डाल देते हैं। तो दोस्तों, अब हमें डाल देना है भिंडी। प्याज को अच्छे से भून लिए हैं, बहुत ज़्यादा भी हमें लाल करके इसमें भिंडी नहीं डालना है, क्योंकि अब भिंडी को भी तो इसी के साथ भूनना है। अब भिंडी को अच्छे से भूनते हैं प्याज के साथ, और इसमें थोड़ी सी प्याज की मात्रा हमने ज़्यादा रखा है। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि प्याज की भुजिया का टेस्ट कुछ अलग होता है। और देखिए, थोड़ा सा भिंडी और प्याज अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें नमक डाले हैं स्वाद के हिसाब से। अब लगभग 2 मिनट और लगेगा और भुजिया बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। इसको आप रोटी के साथ खाइए, सुबह के नाश्ते में बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। अगर बच्चों के टिफिन में देना है तो इसमें थोड़ा प्याज अगर कम रहेगा तो टिफिन में ज़्यादा अच्छा है। तो आइए गर्मा गर्म इसके लिए रोटी सेक लेते हैं और इन्जॉय करते हैं रोटी के साथ भुजिया। भिंडी की भुजिया के साथ रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, भिंडी की भुजिया। तो भिंडी की भुजिया की रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही यम्मी भुजिया बना है, इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं, पराठा भी खा सकते हैं, बच्चों के भी टिफिन में दे सकते हैं, बड़ों के टिफिन में भी दे सकते हैं, घर के नाश्ते में भी सुबह सुबह बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।